वेलकम बैक टू यूनिवर्सल क्रिकेट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एपी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एपी यानी कि हमें एपी निकालनी है। हुज थर्ड टर्म जिसका तीसरा पद 16 है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या मतलब हुआ, जिसका सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है यानी कि 12 ज्यादा है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, हमें थर्ड टर्म दे रखा है तो थर्ड टर्म A3 = 16। A3 को क्या बोलते हैं, A+2B = 16 इक्वेशन का मान लेते हैं। सेकंड सेवंथ टर्म मींस A7 = exceed मींस ज्यादा प्लस फिफ्थ टर्म A4 प्लस कितना ज्यादा है इससे 12 ज्यादा है यानी कि सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। फिफ्थ टर्म से A4 फिफ्थ टर्म है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे सेवंथ टर्म को एपी में क्या बोलते हैं, A+16। फिफ्थ टर्म को A+14 प्लस 12। सॉल्व कीजिए, A+6B माइनस इसको इधर आएंगे साइन चेंज होगा -14 -12 विल बी इक्वल टू 0। माइनस से प्लस से कैंसिल, 6d माइनस 4d हाउ मेनी डी 2d माइनस 12 2d माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0। सो 2d इज इक्वल टू 12 सो d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारे क्या आया, हमारा d की वैल्यू आ गई d इज इक्वल टू 2 6 12। d की वैल्यू कितनी आई गाइस, 6 आई। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो 14 द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, A+2D = 16। तो d की जगह कितना लिख देंगे, d की जगह लिख देंगे 6। तो 2 * 6 = 16। सो A = 16 - 12 सो A = हमारा कितना आ गया 4। तो A की वैल्यू आ गई 4, D की वैल्यू हमारी आ गई 6। जब A और D हमें पता लग जाता है तो AP आसान से हम निकाल सकते हैं। AP निकालने के लिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP हम चलेंगे। फर्स्ट टर्म A हमारा कितना आया, A की वैल्यू 4। सेकेंड टर्म A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A+D। तो A हमारा है 4, D हमारा है 6। तो 4 + 6 कितना आ गया गाइस, 4 + 6 हमारा आ गया 10। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म A+2D सपोर्ट होना होता, A की वैल्यू है 4, 2 * 6 तो हमारा आ गया 4 + 6 = 12, 12 + 4 कितना हो गया 16। या तो आप ऐसे AP निकाल लीजिए या जो है आप D को ऐड करते चले जाइए पदों में तो उससे भी आप AP निकाल सकते हैं। तो हमारी AP क्या आई, 4, 10, 16। अब अगला पद आपको चाहिए, कितने का गैप है, 6 का गैप है। तो 6 ऐड करते चले जाइए तो 16 + 6 कितना हो गया 22, फिर माना 6 तो 28। सो डो दिस इज द AP। सो थैंक यू।